और वहीं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में छठे चरण में यानी कि 25 मई को मतदान होना है और इस सीट से भाजपा ने रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा में शामिल होने से पहले रितेश पांडे बसपा में थे। उन्होंने साल 2019 में भी यहां से जीत हासिल की थी। भाजपा उम्मीदवार रितेश पांडे से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने, क्या कुछ कहना है लोकसभा चुनावों को लेकर उनका, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर नगर लोकसभा में और बीजेपी से उम्मीदवार हैं रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ अंबेडकर नगर में एक जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। दो दो हमारे यहाँ से 6 लेन जा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, अयोध्या की रोड 4 लेन बनी है। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, अंबेडकर नगर बेस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट्स में से है, तो जनता को इसका खासा लाभ मिला है। और जो ज़मीनी मुद्दे आगे के हैं, वो हम चाहते हैं अपने अंबेडकर नगर में एक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है, साथ साथ स्पोर्ट्स कॉलेज हमें यहाँ पे उपलब्ध कराना है, यहाँ पे 2 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो रही है, वहाँ जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होकर के फैक्ट्रियाँ लगे, नौजवानों के लिए नौकरी के लिए अवसर वहाँ पे सृजित होंगे। ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं और जनता इसको लेकर के बहुत ही पॉजिटिव है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के उम्मीदवार है लालजी वर्मा, इस तरह से देख रहे हैं लालजी वर्मा की उम्मीदवारी? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल सभी ने देखा है, लोग कानून व्यवस्था से त्रस्त थे, आए दिन लूट डकैती बलात्कार छिनैती ये सारी चीज़ें होती थी। 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सबसे पहली चीज़ है कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देकर के आज संगठित अपराध और अपराध में कमी आई है। दूसरी चीज़, जो विपक्षी है वो नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। अभी लालजी वर्मा जी के ऊपर मुकदमा हुआ दिल्ली से, जिसमें उन्होंने एक फर्जी डॉक्टर्ड वीडियो जो है अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करके और अभी भी जमीनी स्तर पे उसको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश पांडे, जो बीजेपी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का भरोसा मिलेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News अंबेडकर नगर।